ठीक है, बहुत छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? ये परिवार जुड़ी है, मैं डेडिकेट करता हूँ अपने फादर को। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, एक मूर्तिकार था। तो मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाता था, गढ़ता था और बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। लोग उसकी सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे और बढ़िया अच्छी खासी उसे मूल्य दे करके जाते थे। कुछ समय बाद उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बच्चे हुए। बच्चे को भी छोटे से ही, बचपन से ही उसने अपने ही पैसे पे लगा दिया कि बेटा तू भी मूर्ति बना और मेरा सहयोग कर। बच्चा भी मूर्ति बनाने लगा और धीरे धीरे जब बच्चा मूर्ति बनाता था तो हमेशा वो जब बच्चे की मूर्ति देखता था तो उसमें कुछ कमियां निकालता था, ठीक है। और जब बच्चे की मूर्तियों पे कमियां निकालता था तो बच्चा बड़े गौर से सुनता था उसे और सुनने के बाद उनको वो सही करने का प्रयास करता था। धीरे धीरे ये समय चलता रहा, बेटे और बाप में ये समझ बूझ चलती रही। बाप कमियां निकालता रहा, बेटा उसको सुधारता रहा और एक समय ऐसा आया कि बाप से भी अच्छी मूर्तियां बेटा बनाने लगा। लोग प्रशंसा करने लगे, जब दोनों की मूर्तियां कंपेयर करते थे लोग तो ये बोलते थे कि तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा बनाता है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि बाप का बिजनेस चौपट हो गया, बेटे का ज़्यादा चलने लगा, बेटे का नाम हो गया, लोग बोलने लगे कि उसके बेटे की मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। फिर भी जब उसका बेटा मूर्तियाँ बनाता था तो जब उसके पास उसके पिता पहुँचते थे तो पहुँचने के बाद फिर कमियाँ निकालते थे। तो एक दिन बेटा एटीट्यूड में आ गया और एटीट्यूड में आकर के बोलता है कि आपको क्या पता, आप क्या हो और मुझे देखो, आप देखो अपना अपना मार्केट में जाके फीडबैक लो, आज मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हूँ, आपका बिजनेस चौपट हो गया है। आप मुझे बार बार जो टीस देते रहते हो ना, ये बोलते रहते हो ना कि तुम्हारा ये खराब है ये खराब है, आज के बाद बोल मत देना। बाप समझ गया, बेटे को बुरा लग गया और वो बोलना बंद कर दिया। समझो, बेटे को ये लग गया कि वो कंप्लीट हो गया, वो परिपक्व हो गया, वो पहुंच गया अपने चरम पे। और जब उसने ये कार्य करना शुरू किया, पिता ने बोलना ही बंद कर दिया। धीरे 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 कंडीशंस ये पहुंची कि उसकी जो मूर्तियां थी उनकी वैल्यू घटती गई। अब धीरे धीरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से कैसे हो गया मेरे साथ, इसकी वैल्यू कैसे घटती जा रही है। तो अपने पापा के पास पहुंचा, फिर पिताजी के पास पहुंचा, बैठा, बोला कि पिताजी पता नहीं कुछ समय से मेरी मूर्तियों की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो पिता ने एक बहुत अच्छी बात बोली उससे। पिता ने बोली कि बेटा, मैंने तुझे फीडबैक दिया करता था और मेरे फीडबैक से तुझे बुरा भी लगा। जब मैं तेरी उम्र में था तब मुझे भी ऐसा लगता था। आज आप लोग देखते हो आपके फादर हर चीज़ में टोकते रहते हैं, सुबह जल्दी उठा कर, टाइम से खा लिया कर। जब वो अपनी उम्र में थे तो भी ऐसे ही थे, वो अपने पिता की नहीं सुनते थे। आज आप अपनी पिता की नहीं सुन रहे हो। तो जब उसने बताया कि बेटा तुझे ये लगता है, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने काम से, सेटिस्फेक्शन आ जाता है, ये लगता संतुष्ट हो गया ये काम मेरा, जब हम अपने आप को परिपक्व समझने लगते हैं, जब हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई है नहीं, हम पहुँच गए यहाँ पर, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं बची है, हम तो इससे योग्य हो गए। तेरा कंपटीशन मुझसे नहीं था, तो ये चीज़ भूल गया। मैं तो तेरा कंपटीशन कहीं और देखना चाहता था, मैं तो तुझे हमेशा बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए हमेशा फीडबैक देता था। यदि मैं तुझे फीडबैक नहीं देता ना, तुम मुझसे बेहतर नहीं बन पाता, और तूने कंपटीशन धोखे से मुझे समझ लिया, और जब मैंने तुझे फीडबैक दिया तू झल्ला गया और गुस्सा हो गया। आप एक चीज़ समझिए, आपने अपना कंपटीशन अपने परिवार को समझ रखा है, अपने गांव को समझ रखा है, अपने पिता को समझ रखा है। आपके पिता ने कभी आपको उस कंपटीशन में रखा ही नहीं, आपके पिता ने तो हमेशा ये सोचा कि आपको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाए। और जब वो कुछ भी कहते हैं, उनको पता है मेरा बेटा पढ़ता है, उन्हें भी पता है। यदि आप कभी उनसे अकेले में पूछें उस मर्म को, उस दर्द को, तो आपको बताएंगे वो कि हाँ,
मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बहुत शानदार है, लेकिन उन्हें पता है कि यदि मैं इसे बोल दिया कि तू सब कुछ हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पे ग्रोथ करना रुक जाएगा, यहीं से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। आज यदि आपको अपने फादर की बातें बुरी लगती हैं, कारण बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि आप उससे बेहतर हो, अपने फादर से बेहतर हो। ये कौन होते समझाने वाले और ये क्यों समझा रहे हैं मुझको? बस आपके साथ ये दिक्कत है। यदि वो टीस कर रहे हैं ना, उसके पीछे का मर्म समझो, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। वो आपको अपने कंपटीशन पे नहीं खड़ा करना चाहते, आपको बहुत बियॉन्ड लेके जाना चाहते हैं। तो माँ बाप या फिर आसपास यदि कोई आपकी आपकी कमियाँ निकालता है तो इस चीज़ को इतना सकारात्मक लीजिए ताकि आप उस प्रतिस्पर्धा में उससे आगे निकल जाएं। इस बात को समझिए। आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको वो क्या कह रहे हैं, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आपकी ग्रो आपकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। आप भी उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं। उन्हें पता है कि ये टाइम लगता है, उन्हें भी पता है कि बड़ा एग्ज़ाम है। जब आप तैयारी करने निकले थे तब आपके फादर ने यही बोला था कि बेटा बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। नहीं, विश्वास नहीं कर रहे थे वो। वो विश्वास कर भी रहे थे अंदर अंदर ही अंदर, ये भी उनके चल रहा था कि कहीं हो गया इसका तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बेटा होता भी नहीं है। वो उनकी एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी को आप शायद समझ नहीं पाए। हर माँ बाप की एक पॉलिसी होती है जो अपने बच्चे के साथ वो खेलता है। कल के दिन जब आप माँ बाप बनोगे तब आप भी यही खेलोगे। आप भी कहोगे अरे मैंने खूब दुनिया देख ली है। आज आपका मौका है, आप उन